ओम शांति। 5 अक्टूबर 2023 अव्यक्त बाप दादा की मुरली जो रिवाइज है 9/1/1996 की। अव्यक्त मुरली का सार है, बालक सो मालिक बन के नशे में रहने के लिए मन का राजा बनो। आज का वरदान है ब्राह्मण जीवन में खुशी के वरदान को सदा कायम रखने वाले महान आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन में खुशी ही जन्म सिद्ध अधिकार है, सदा खुश रहना ही महानता है। जो इस खुशी के वरदान को कायम रखते हैं वही महान है, तो खुशी को कभी खोना नहीं। समस्या तो आएगी और जाएगी, लेकिन खुशी नहीं जाए, क्योंकि समस्या पर स्थिति है, दूसरे के तरफ से आई है, वह तो आएगी और जाएगी। खुशी अपनी चीज है, अपनी चीज को सदा साथ रखते हैं, इसलिए चाहे शरीर भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। खुशी से शरीर भी जाएगा तो बढ़िया और नया मिलेगा। आज का स्लोगन है बाप दादा के दिल की मुबारक लेनी है तो अनेक बातों को ना देख अथक सेवा पर उपस्थित रहो। माना हमेशा सेवा के लिए तैयार रहो। अव्यक्त मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं। आज विश्व के मालिक बाप अपने चारों ओर के मालिक सो बालक बच्चों को देख रहे हैं। बालक भी हो तो मालिक भी हो। विश्व के मालिक भविष्य में बनेंगे, लेकिन बाप के सर्व खजानों के मालिक अभी हो। विश्व राज्य अधिकारी भविष्य में बनेंगे, लेकिन स्वराज्य अधिकारी अभी हो। मना अपने इंद्रियों पर अधिकार। अभी हो इसलिए बालक भी हो और मालिक भी हो। बालकपन का नशा सदा रहता ही है, लेकिन दो प्रकार से बाबा शब्द कहने वाले हैं। एक हैं दिल से बाबा कहने वाले और दूसरे हैं नॉलेज के दिमाग से कहने वाले। जो दिल से बाबा कहते हैं उनको सदा सहज दिल में बाबा द्वारा प्रत्यक्ष प्राप्ति, खुशी और शक्ति मिलती है, और जो सिर्फ दिमाग अच्छा होने के कारण नॉलेज के प्रमाण बाबा बाबा शब्द कहते हैं उन्हों को उस समय बोलने में अपने को भी खुशी होती और सुनने वालों को भी उस समय तक खुशी होती, अच्छा लगता, लेकिन सदा काल के लिए दिल में खुशी और शक्ति दोनों हो वो सदा नहीं रहती, कभी रहती कभी नहीं, क्योंकि दिल से बाबा नहीं कहा। बाप दादा ने देखा कि बालकपन का निश्चय माना विश्वास सभी को है, नशा कभी है कभी नहीं है। बालक तो हो ही, लेकिन सिर्फ बालक नहीं हो, बालक सो मालिक हो। तो मालिकपन भी दो प्रकार के हैं। एक स्वराज्य अधिकारी मालिक बना अपने इंद्रियों के मालिक, और दूसरा बाप के सर्व खजानों के मालिक, क्योंकि सर्व खजानों को अपना बनाते हो। सर्व खजाना मेरा वर्षा है, दाता बाप है, लेकिन बाप ने दिया क्योंकि आप वर्षे के मालिक हो, तो यह वर्षा सबको मिला है, किसको कम किसको ज्यादा तो नहीं मिला है, सबको एक जैसा मिला है ना। बाप के खजाने बेहद के हैं,
कितने भी बच्चे हों, लेकिन बाप के खजाने बांटने से कम होने वाले नहीं है। खुला और संपन्न भंडार है, इसलिए बाप किसको कम क्यों देवे? जब है ही बच्चों के लिए, तो किसको ज्यादा किसको कम क्यों दे? तो एक बाप के वर्षे के अधिकारी मालिक और दूसरा स्वराज्य के मालिक, अपने इंद्रियों पर मालिक, दोनों के मालिक हो, पक्का है ना? तो मालिक होकर कितना समय चलते हो? तो चेक करो कि स्व की सर्व कर्मेंद्रियां ऑर्डर प्रमाण है। कर्मेंद्रियां आप स्वराज्य अधिकारी बच्चों के कर्मचारी है ना? आप मालिक हो कि कर्मचारी मालिक है, और आप कर्मचारी बन जाते हो? कोई भी छोटी सी व्यर्थ बात व व्यर्थ वातावरण व व्यर्थ दृश्य, सबका प्रभाव पहले किस पर पड़ता है? मन पर प्रभाव पड़ता है ना? फिर बुद्धि उसको सहयोग देती है। मन और बुद्धि अगर उसी प्रकार चलती रहती है तो संस्कार बन जाता है। अभी भी अपने को चेक करो, तो मेरा जो व्यर्थ संस्कार है वो बना कैसे? कहते हैं चाहते नहीं हैं, सोचते भी हैं, लेकिन हो जाता है। इसको कहा जाता है संस्कार वश। बाप दादा तो सोचते हैं कि कहलाने में तो किसी से भी पूछेंगे कि आप कौन हो, तो क्या कहेंगे? ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार है? तो ब्रह्मा के बच्चे क्या हुए? ब्राह्मण। लेकिन जब व्यर्थ संस्कार के वश हो तो खुशी गुम हो जाती है। क्या उस समय ब्रह्म कुमार ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, जिसकी खुशी गुम हो जाए वो ब्राह्मण नहीं है। तो बाप दादा ने देखा कि मालिकपन को हिलाने वाला विशेष मन है, और आप स्वराज्य अधिकारी राजा हो। मन आपका मंत्री है, मंत्री है सहयोगी है। तो मन का मालिकपन ये सदा हो, तब कहेंगे स्वराज्य अधिकारी, नहीं तो कभी अधिकारी कभी अधी। कहते हो मेरे संस्कार है, तो ये मेरा शब्द यही पुरुषार्थ में ढीला करता है। ये रावण की चीज अंदर छिपा कर क्यों रखी है? मेरा संस्कार क्या है? जो बाप का संस्कार है, सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना धारी, ये है ओरिजिनल मेरे संस्कार, बाकी मेरे नहीं है। और यही अशुद्धि जो अंदर छिपी हुई है ना, वो संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालती है। श्रीमत हर कदम के लिए है। श्रीमत सिर्फ ब्रह्मचारी बनो ये नहीं है, हर कर्म के लिए श्रीमत है। चलना, खाना, पीना, सुनना और सुनाना, सबकी श्रीमत है। श्रीमत को ढीला किया तो मन को चांस मिलता है चंचल बनने का, फिर उसको आदत पड़ जाती है। तो आदत डालने वाला कौन? आप ही हो ना।